हे गाइस, वेलकम टू कॉमिकनिटी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 खतरनाक मूवी के बारे में। वैसे वो फिल्म जो बेस्ट होगी चुड़ैल और पिसाजो पर, और इन दोनों कैटेगरी में जो मूवी बेस्ट होगी उस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। खैर, अगर आप इंटरेस्टेड हो देन वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइज, मैं वीडियो शुरू करने से पहले यहीं पर ही क्लियर कर दूं कि मूवी की रैंकिंग मेरे अकॉर्डिंग है, और आपके हिसाब से ये मूवी की रैंकिंग अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर इंसान का टेस्ट अलग अलग होता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मूवी आपको पसंद आएगी ही, लेकिन जो चुड़ैल और वैम्पायर की मूवी देखना पसंद करते हैं उन्हें ये मूवी पसंद आएगी। खैर, मैं टॉप 5 मूवी के नाम के साथ उसे कुछ डिटेल बताऊंगा, जैसे कि IMDb रेटिंग और उस मूवी का वॉच टाइम कितना है, मतलब उस मूवी का ड्यूरेशन कितना है, और उस मूवी के प्लॉट के बारे में भी कुछ आइडिया दूंगा। तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पर आता है अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। गाइस, एक ऐसी मूवी है जो वैम्पायर के सभी मूवीज से काफी डिफरेंट है, और इसमें वैम्पायर का कॉन्सेप्ट एक अलग तरह से ही दिखाया गया है, और इसी वजह से ये खास मूवी हो जाती है। और इसे 2012 में रिलीज किया गया था, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 out of 10, और इसका ड्यूरेशन है 1 hour 45 minutes, जो लगभग ठीक ठाक ही है। और ये मूवी बेस्ड होगी फैंटेसी और थ्रिलर पर, और आपको इसमें थ्रिलर कूट कूट कर देखने को मिलेगा। और जी हाँ, ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है, तो शायद से आपको ये मूवी देखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 4, ड्रैकुला अनटोल्ड। गाइस, अगर आप ड्रैकुला के फैन हो तो आपके लिए मूवी मस्ट वॉच मूवी होगी। और हाँ, इसमें ड्रैकुला के कैरेक्टर पर ही ज्यादा फोकस किया गया है, और इसमें ड्रैकुला का रोल लीक इवान कर रहे हैं। और ये मूवी रिलीज की गई थी 2014 में, और इसका प्लॉट ये है कि ट्रांसिल्वेनिया के राजकुमार वैलेड इम्पेलर अपने परिवार और राज्य को बचाने के लिए अपने आप को वैम्पायर के हवाले कर देते हैं, और वो बचा पाते हैं या नहीं इस बारे में आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसकी IMDb रेटिंग थी 6.3 out of 10, और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। अगला नंबर 3, और नंबर 3 पर आता है हैंसल एंड ग्रेटर विच हंटर। गाइस, ये मूवी सच कहूँ तो माइंड ब्लोइंग मूवी है, और ये मूवी फैंटेसी और एक्शन पर बेस्ड है, और इसमें आपको एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। और इसमें हैंसल का रोल जिमी रेनल कर रहे हैं, जो MCU यूनिवर्स में हॉकाय का रोल करते हैं। और ये मूवी 2013 में रिलीज की गई थी, जो उस समय की सबसे बेस्ट मूवी थी। और इसमें हैंसल और ग्रेटर दोनों भाई बहन रहते हैं, जो चुड़ैल से गाँव वालों को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन उसी में उनको एक ठोकर लगता है जो उसे अपने पार से रिलेट कर देता है। खैर, अभी इसी टाइटल के साथ एक और मूवी रिलीज होने को है, जो उसका सिक्वल होगा या नहीं उस बारे में स्टूडियो की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। और जी हाँ, ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2, स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन। गाइस, ये 2012 में रिलीज की गई थी, जिसमें मेन एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ है, जो MCU यूनिवर्स में थॉर का रोल करते हैं। और ये मूवी ड्रामा और फैंटेसी पर बेस्ड है। खैर, वैसे मैं इसका प्लॉट नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं बता दिया तो आपको ये मूवी देखने का मजा ही नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये मूवी में थोड़ा थ्रिलर भी है। वैसे इस मूवी के बाद इसी फ्रेंचाइजी की एक और मूवी रिलीज की गई थी, जो इसका एक प्रीक्वल मूवी था। खैर, मैंने उस मूवी को इंक्लूड नहीं किया, और इस मूवी को इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि आपको इसमें चुड़ैल देखने को मिलेगा, और ये वीडियो जो बेस्ड है वो चुड़ैल की मूवी पे ही बेस्ड है। वैसे उसमें भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। खैर, जो भी हो, लेकिन इस मूवी की IMDb की रेटिंग थी 6.1 out of 10, और 10 टोमेटोज की 49% की रेटिंग थी, जो लगभग ठीक ठाक ही थी। और अब आता है नंबर 1, और नंबर 1 पर जो मूवी है उसका नाम है वैन हेल्सिंग। जी हाँ, वैन हेल्सिंग की इस मूवी को मैंने लगभग 12 साल पहले देखा था, और ये मूवी 2004 में रिलीज की गई थी, और मैंने इस मूवी को बहुत दिन बाद देखा। और ये मूवी पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में है। जी हाँ, अब तक वैम्पायर फ्रेंचाइजी में ऐसी कोई मूवी नहीं है जो इस मूवी को टक्कर दे पाए। और इसमें एज ए मेन एक्टर हुई जैकमैन है, जो इसमें वैम्पायर हंटर डॉक्टर वैन हेल्सिंग का रोल कर रहे हैं। और इसमें ड्रैकुला भी है, और इसके एक्टर ने भी इस रोल को अच्छे से निभाया है। खैर, आपको ये मूवी पसंद आएगी ही, और इस बात का दावा मैं 110% करता हूँ। और इसका पार्ट 2 आएगा या नहीं उस बारे में मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, और शायद से जब तक आप ये वाली वीडियो देख रहे होंगे तो वो वाली वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इंडिया स्क्रीन पर दे दूंगा, तो इस बारे में जानने के लिए आप उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ पूछना है किसी भी मूवी के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई सबको देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। The pain I felt is paid for, all is said and done.